ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक सुंदर महिला के बारे में जिसका नाम है मैरी एन बेवन, जिसे देख आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि मैं इसे इतना सुंदर क्यों कह रहा हूँ। यह दिखने में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बल्कि यह एक पुरुष की तरह नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दूं, यह एक महिला है जिसे दुनिया ने विश्व की सबसे बदसूरत महिला का टैग दिया था। ऐसे में आप सब सोच रहे होंगे कि जब दुनिया ने इसे विश्व की सबसे बदसूरत महिला कहा, तो मैं इसे इतना सुंदर क्यों कह रहा हूँ। इसके पीछे मैरी के जिंदगी की दुखद और दर्दनाक कहानी है जो हम आपको बताएंगे, और मुझे विश्वास है मैरी की कहानी सुनकर आप भी उसे एक सुंदर महिला कहेंगे। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस इंटरेस्टिंग सफर पर जानते हैं दुनिया की सबसे बदसूरत महिला कहे जाने वाली मैरी बेवन की एक दर्दनाक कहानी। 20 दिसंबर 1874 को मैरी का जन्म लंदन के वर्किंग क्लास परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता के 8 बच्चों में से एक थी। मैरी जब जवान थी तो वह बाकियों की तरह साधारण व एक सुंदर लड़की थी जो अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। आगे चलकर मैरी को थॉमस बेवन नाम के एक व्यक्ति से प्यार हुआ और 1902 में मैरी ने थॉमस के साथ शादी कर ली, जिनसे आगे चलकर उन्हें 4 बच्चे हुए। अब तक सुनने में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन मैरी की जिंदगी में आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसे जिंदगी का एक कहरी समझो। मैरी को एक्रोमेगली नामक एक अजीबोगरीब बीमारी हो गई। एक्रोमेगली एक ऐसा डिजीज है जो अपने पीड़ित के शरीर में ग्रोथ हॉर्मोन्स को जरूरत से ज्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से शरीर के कुछ हिस्से ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से मैरी की हालत बद से बदतर होने लगी। भले ही आज के जमाने में यह एक साधारण सी बीमारी है, लेकिन तब के जमाने में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मैरी पहले से ही इस अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित थी। ऐसे में मैरी के जिंदगी में और एक दुखद घटना हुई। 1914 में थॉमस बेवन मतलब मैरी के पति की अचानक मृत्यु हो गई। मैरी के जिंदगी में यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसे समय में मैरी को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब आगे का सफर मैरी को अकेले तय करना था। 32 साल की उम्र में मैरी के अंदर एक्रोमेगली के लक्षण पूरी तरह से दिखना शुरू हो गए थे, जिस वजह से मैरी के शरीर में बदलाव हो रहे थे। साथ ही साथ मैरी को दर्द भी हो रहा था, लेकिन यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं था जो आगे दुनिया उसे देने वाली थी। मैरी के इस बीमारी के वजह से उसे अपनी नर्स की नौकरी गंवानी पड़ी। अपने पति के मृत्यु के बाद मैरी के पास खुद को और अपने 4 बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे मजबूरी के हालात में कोई भी मैरी की मदद नहीं कर रहा था। एक्रोमेगली की वजह से मैरी का जो हाल हुआ था, उस वजह से लोग मैरी को देखने से भी डर जाते थे। जब मैरी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो उसने मजबूरी में पैसों के लिए अपने बच्चों के लिए एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया जहां अजीबोगरीब और बदसूरत लोगों को चुना जा रहा था। इस प्रतियोगिता का मकसद था कि दुनिया को विश्व के सबसे अजीबोगरीब और बदसूरत इंसान से रूबरू कराए। मुझे तो यह सोचकर भी हैरानी होती है कि इंसान आखिर कितना गिर सकता है। मैरी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इसे जीता भी, जिसके बाद मैरी को इस दुनिया की सबसे बदसूरत महिला का टैग दिया गया। मैरी को वर्ल्ड अगलीस्ट वेमेन के नाम से पहचाना जाने लगा, जिसके बाद मैरी को सर्कस में भी काम मिला, जहां मैरी जैसे इंसानों पर दूसरे इंसानों द्वारा जानवर की तरह सलूक किया जाता था। और हैरानी की बात तो यह है कि हजारों लोग इस तमाशे को देखने आया करते थे, जिसमें मैरी को बदसूरत महिला के नाम से प्रदर्शित किया जाता था। मैरी मजबूर थी, करती आखिर क्या ना करती। मैरी ने अपने बच्चों के लिए मजबूरी में ऐसे शोज में काम किया जिसमें मैरी ने अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बिताया। उसने अपने आखिरी समय तक सर्कस में काम किया और 26 दिसंबर 1933 को मैरी की मृत्यु हो गई। जिस दुनिया ने मैरी बेवन को विश्व की सबसे बदसूरत महिला कहा, वह हकीकत में एक सुंदर महिला थी और साथ ही साथ एक अच्छी माँ भी। दुनिया का कोई भी इंसान या व्यक्ति बदसूरत नहीं होता, यह तो हम सबकी सोच है।
और जब यह बात लोगों को समझ में आ गई तब लोगों ने ऐसे टैक्स का विरोध किया और आज ऐसे कोई टैक्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि सभी जानते हैं यह दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे जीव भगवान या प्रकृति की एक खूबसूरत रचना है जिसका फैसला कोई इंसान नहीं कर सकता। मैरी की यह कहानी बताती है कि मानवीय इतिहास कितना क्रूर और दर्दनाक था और हम सबको मिलकर इस इतिहास को फिर से दोहराना नहीं है। आज के दौर में भी कुछ लोग चमक धमक के चक्कर में बाहरी खूबसूरती देख किसे भी बदसूरत कह देते हैं, यह जाने बिना कि सामने वाले व्यक्ति के मन में इस बात से कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। यह बात हमेशा याद रखना कि आपकी वजह से भले ही किसी के जिंदगी में खुशियां ना आए लेकिन दर्द भी नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे अलग दिख रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह अजीब या बदसूरत है, यह सोच हम सबको बदलने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।